अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नहीं हो पाया है। देवास शहर के विद्यालय समूह से दूर दूर से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं। कई हजार छात्र ऐसे हैं जो बिना छात्रवृत्ति के अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर ये कई छात्र देवास में किराए के रूम लेकर रहते हैं। इस कारण छात्रों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। सभी छात्रों ने लेकिन पूरे कॉलेज में ऑनलाइन की काम करने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं या अप्रूव किया जाता है। इसमें कई बार लड़के लड़कियों में भी लगा हो जाता है। इसलिए इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉलेज के अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि छात्र छात्राओं को तकनीकी समस्याओं को जाना न रहे। छात्र छात्रा युद्ध को ध्यान में रखते हुए ये आइडिए को उनसे मांग करता है। छात्र में आ रही तकनीकी भुगतान किया जाए। छात्र की राशि का भुगतान एक ही दिन में ही किया जाए। छात्रों को देखते हुए कभी कभी क्या गलत बोल लड़ाई हो बताइए, आप किस लिए आए थे यहाँ पर? मतलब कि काफ़ी समय से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर। मतलब कि अभी क्या है, स्टूडेंट गांव से 50-50 किलोमीटर दूर से आते हैं स्टूडेंट, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही और आवास योजना नहीं आ रही। इतने दूर दूर से आ रहे तो सरकार एक तो क्या स्कॉलरशिप डालनी है, कॉलेज की तरफ से कुछ पहल नहीं हो रही कि स्कॉलरशिप डाली जाए। अब क्या बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनकी स्कॉलरशिप या आवास योजना के। हाँ जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? यहाँ पर हम स्कॉलरशिप और आवास योजना को लेकर आए थे। क्या छात्र छात्रा क्या स्कॉलरशिप पूरा साल हो गया पर आई नहीं है, और अभी एक नया नियम आया है कि पहले स्कॉलरशिप एक किस्त में आती थी, अब दो किस्तों में दिए जा रहे हैं। तो छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। और एक मांग और कर रहे हैं यहाँ पर अप्रूव कराने के लिए, और एक सिस्टम है यहाँ पर, सिस्टम कंप्यूटर लगाया गया है, कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर है यहाँ पर। छात्र जाता है दूर गांव से आते हैं, बहुत लीड के पी कॉलेज जिले का यहाँ पर, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं, वहाँ पर भीड़ भी लग जाती है छात्र छात्राएं, और ये लगता है। इसलिए तो हम एक मांग कर रहे हैं कि दो कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं परेशान ना हो, और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप जल्दी जल्दी डाली जाए। इस मांग को लेकर हमें आज ज्ञापन देने के लिए आए। तो आपकी यही मांग है जी।